आज हम बनाने वाले हैं बेसन चावल के आटे और पालक का पकौड़ा। इसके लिए मैंने ये बेसन लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ही चावल का आटा डालेंगे। ये चावल का आटा है, ये अजवाइन, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, ये नमक, काला नमक, इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा ये पुदीना कटा हुआ बारीक, थोड़ी धनिया की पत्ती और इसमें पालक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसका पकौड़ा बनाएंगे। अच्छे से धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। अगर ये ज़्यादा टाइट लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अगर बराबर मिक्स हो गया तो पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती है। थोड़ा सा इसमें अगर आपको हल्दी डालना है तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल दूंगा क्योंकि पालक है तो ग्रीन ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मिक्स कर लेते हैं पूरा अच्छे से, थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं और कटी हुई हरी मिर्च, फिर इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा टाइट सा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी, पानी थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं।